फ्यूचर इज मोबाइल। आने वाले टाइम में टीवी कोई नहीं देखेगा, ये 18-19 साल 20 साल 22 साल कितना टीवी देखते हो आप? बहुत कम। और मोबाइल पे कितना टाइम स्पेंड करते हो? बहुत ज्यादा। सही कह रहा हूं? हाँ, वेब सीरीज ज्यादा देखते हो, टीवी सीरियल्स कम देखते हो, ऐसा ही है ना? यस सर, ऐसा ही है। देखते हो क्या बैठ करके कि रसोड़े में कौन था, ये वो व्हाटएवर देखते हो? टीवी सीरियल देखते हो? नहीं सर, वो नहीं देते। अभी तो टाइम ऐसा चल रहा है, सेशन के सेशन खत्म हो जाते हैं एक दिन में। सब वेब सीरीज पूरी खत्म। सेशन मतलब आप कह रहे हो सीरीज, पूरी पूरी सीरीज एक दिन में खत्म हो जाती है, मतलब शुरू करते हैं तो छोड़ने का मन नहीं करता। यस सर। तो ये जो हालत आपकी है, ये जो हालत आपकी है, ये जो एडिक्शन आपको है, ये ही आपकी पूरी की पूरी जनरेशन को है। आज की जो पूरी जनरेशन है सबका यही हाल है, 99% लोगों का। तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में ना तो कोई टीवी देखने वाला है, ना कोई अखबार पढ़ने वाला है, राइट? ना जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं उसका कोई इतना यूज रह जाएगा, यूटिलिटी रह जाएगी। तो इसका मतलब जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, अगर उनको अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को मार्केट करना है, तो उनके पास में कोई चॉइस नहीं है, उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग इन द नेक्स्ट 10 years और 20 years। तो आप अभी सीखो ना, वो सीखने में मजा भी आएगा। आप समझ गए? मजा आएगा नहीं आएगा? देखो, अभी आपको मजा आता है टाइम खराब करने में, और उस टाइम खराब करने के आप पैसे देते हो अपनी जेब से। फ्री में तो टाइम पास नहीं हो जाता ना। इंटरनेट जो आप यूज करते हो, उस इंटरनेट के आप पैसे देते हो हर महीने। उसके अलावा अगर वेब सीरीज देखते हो तो अमेजोन प्राइम को, नेटफ्लिक्स को, उनको भी पैसे देते हो। तो अभी तो आपकी जेब से ही, आपके पेरेंट्स की जेब से पैसे जा रहे हैं। सोचो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी जेब में पैसे आने लग जाए, तो मजा आएगा या नहीं आएगा? बहुत मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। आप समझ गए? बहुत तो मजा आएगा। इसको बोलते हैं अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। और एक बार आपकी जेब में पैसे आने लग गए, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू अगर दिमाग से आप चलोगे, तो बहुत तरीके हैं जिन तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। तो अब वो तरीके क्या है, वो अभी आपको पता नहीं है, तो वो सीखो। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, आपकी एज ग्रुप के ही, या आपकी एज से भी कम है, और वो लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब आते हैं वो ही नहीं, बहुत कम लोगों के माइंड में आते हैं। आते भी है तो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उसी डायरेक्शन में भागते रहते हैं जो सब कर रहे हैं। मतलब सब अगर वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब डिग्री के पीछे जा रहे हैं तो हम भी डिग्री के पीछे जा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किस तरीके से ये मोबाइल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट है तो मोबाइल आपके लिए पैशन हो गया। तो अगर इसको आप सीख जाते हो और यहां से आप पैसा कमाने लग जाते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, तो उसकी कितनी लिमिट है, आप कितना कमा सकते हो? कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट। आज की डेट में आपको सही बता रहा हूं, इतना आसान हो गया है सब कुछ करना, जिसकी कोई हद नहीं है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे जाकर के ऐड चलाओ, और ऐड कितने में ऑन हो जाती है? 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में। मतलब कुछ भी नहीं है, उतने में आप ऐड करके कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस मार्केट कर सकते हो। मेरे टाइम में क्या होता था, ये सब था ही नहीं। तो अगर ऐड करनी है या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी को बताना है, तो कहां ऐड करनी पड़ेगी? अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में। वो ऐड कितने की आती है? लाखों रुपए की। तो जेब में लाखों रुपए है ही नहीं, तो हम काम कैसे करें? आप तो 500 रुपए में काम शुरू कर सकते हो जी। 500 रुपए को 5000 भी बना सकते हो, 5000 को 50000 भी बना सकते हो, और 50000 को 50 लाख भी बना सकते हो। बस आना चाहिए कि ये करते कैसे है। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो अभी नहीं है। तो उन लोगों से सीखो जो लोग ये करते हैं और कैसे करते हैं। उसमें भी आपको 90% लोग फ्रॉड मिलेंगे, जो बेवकूफ बनाते हैं। वो ये सिखाने के नाम पे आपसे पैसे ले लेंगे, और वो पैसे लेकर के आप अमीर बनो ना बनो, वो अमीर बन जाएंगे। तो ऐसे लोगों से मत सीखो, जेन्युइन लोगों से सीखो। ऐसी बुक्स आपको मिलेंगी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, मोबाइल मार्केटिंग के ऊपर। उन बुक्स को पढ़ो, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, और थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके खुद एक्सपेरिमेंट करो। देखो कि कैसे 500 रुपए लगा करके 1000 रुपए कमाते हैं।
समझ गए, अगर ये चीजें आपको आने लग गई और समझ आने लग गई तो हो सकता है आपकी लाइफ का ट्रैक पूरी तरह से चेंज हो जाए। जो और जो लाखों बच्चे हैं जो एक ट्रैक पे जा रहे हैं उनसे बिल्कुल ही एक अलग ट्रैक आपका हो जाए। लेकिन हम ऐसा कभी कोशिश ही नहीं करते हैं, हम कभी ट्राई ही नहीं करते हैं। आई एम 100% श्योर आपकी एज है 21-22 साल, अभी तक आपने एक बार भी ट्राई तक नहीं किया होगा कुछ भी ऐसा करने का, नहीं किया ना ट्राई? सर ट्राई करा था पर उसका आउटपुट इतना कुछ खास नहीं आया, बीच में छूट गया वो। हाँ क्यों नहीं आया आउटपुट, अब आप खुद बताओ। क्योंकि सर हम चाहते हैं इंस्टेंट रिवॉर्ड मिले हमें। क्योंकि आपने पहले सीखा ही नहीं। मैं क्या बोलता हूँ अपने हर सेशन में, पहले सीखो फिर करो। तो पहले आपने डीपली नहीं सीखा, डीपली नहीं समझा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बस ऐसे ही कुछ भी करने की कोशिश करी और थोड़ा सा फेल हो गए या मान लो उसमें 500-700 रुपए डूब गए, बस उसके बाद में आपने कहा चलो छोड़ो बेकार है। अरे ऐसे नहीं होता है जी, ऐसे नहीं होता है। आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो जिसके बाद में मानो आपकी जॉब लगने वाली है 50,000 रुपए महीने की, उसके लिए आप 4 साल अपनी लाइफ के लगाने वाले हो, तब जाकर के आपको एक जॉब मिलेगी। और 50,000 भी मैंने काफी हायर साइड पे बोल दिया है, बिकॉज़ बहुत ज्यादा बोल दिया सर वो भी, बहुत ज्यादा बोल दिया। कोई IIT वगैरह तो है नहीं, है ना? हाँ तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने फिर भी बहुत ज्यादा बोल दिया। तो 50,000 रुपए कमाने के लिए भी आप 4 साल तक पता नहीं क्या क्या करने वाले हो, कितनी मेहनत करने वाले हो, तब जाकर के आपको 50,000 रुपए महीने का मिलेगा। और डिजिटल मार्केटिंग में जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें हम क्या चाहते हैं कि आज मैं शुरू करूं 500 रुपए लगा करके और कल से मेरे पास में 5,000 रुपए आ जाए। अरे भाई अपने लाइफ के 1-2 साल 3 साल 4 साल दो तो सही, चाहे पार्ट टाइम बेसिस पे ही सही, दिन के 1-2 घंटे ही सही, तो 1-2 साल के अंदर अंदर हो सकता है आप एक्चुअल में लाखों रुपए भी कमाने लग जाओ। इसको बोलते हैं अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना। और होता क्या है जब हम शुरू करते हैं